हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द एंगल बिटवीन टू लाइंस। स्टूडेंट्स पहले प्रॉपरली ये समझें कि हमने लास्ट जो क्लास की थी, इन विच क्लास वी हैव डिस्कस द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस। हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो क्या था, देखो 12th क्लास 3D और पार्ट 5। यहाँ पर हमने कहा था एंगल बिटवीन टू लाइंस। वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज टू बी डिफाइंड बाय आर वेक्टर इक्वल a1 प्लस लेमडा b1 और अनदर लाइन दैट इज डिस्क्राइब बाई आर वैक्टर इक्वल a2 वैक्टर प्लस लेमडा ऑफ b2 वैक्टर। तो दीज आर टू लाइन्स। नाउ वी विल कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स दैट इज डिफाइंड बाई b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वैक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वैक्टर, देर आफ्टर होल मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स बाई विच वी कैन कैलकुलेट द कॉस थीटा। नाउ द कॉस थीटा वी आर गेटिंग दिस b1 वैक्टर इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, वे आर b2 वैक्टर दैट इज a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप इफ इट इज गिवन। नाउ cos थीटा दैट कम्स b1 डॉट b2, तो आपको डॉट प्रोडक्ट हमने वेक्टर में डिस्कस कर लिया, i कैप प्रोडक्ट विद i कैप, j कैप प्रोडक्ट विद j कैप, k कैप प्रोडक्ट विद k कैप, सो द रिजल्ट इज लाइक दैट। नाउ दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2। डाउन साइड मैग्नीट्यूड ऑफ b1 दैट इज रिटन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अगेन रिटर्न इन द प्रोडक्ट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो, इट मीन्स दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। और अब केसेस, यहाँ पर कुछ कॉरलरी केसेस हम डिस्क्राइब करें कि जो दोनों लाइनें हैं ये क्या हों, ये परपेंडिकुलर हों। इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इट मीन्स क्या होगा, b1 डॉट b2 इक्वल 0। केस वन की अगर हम बात करें कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, दैट इज द केस। ये तो आपने एंगल निकाल लिया, अब कह रहे हैं कि लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर हों। इफ दीज लाइन्स l1 परपेंडिकुलर L2, तो क्या रिजल्ट बना, तो आपके पास एक रिजल्ट बन गया कि द एंगल थीटा इज 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है, 0 डिग्री, राइट। कॉस 90 कितना होता है, 0। सो नाउ फ्रॉम देयर वी कैन गेट द रिजल्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। कब, जब ये लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो उस केस में थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट है। ये लाइन अगर l1 पैरेलल टू द l2, सेकंड कॉर्नरी केस कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, थीटा दैट इज इक्वल टू द 0 डिग्री। तो यहाँ रिजल्ट आएगा लाइनों में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। ये हमने 10th क्लास में स्टडी की थी, वेन एवर टू लाइन्स इफ दे आर पैरेलल देन देयर करोस्पोंडिंग कोफिशिएंट्स रेशियो दैट इज इक्वल, एंड हेयर इज द पैरेलल वेक्टर्स कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ के कैप। डाउन साइड सेकेंड लाइन के कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप इज देयर, सो दैट्स रेशियो इज इक्वल, देन वी कैन से द लाइन्स आर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स आपको पहला क्लियर पार्ट हो गया कि हमें इफ़ वी वुड लाइक टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू लाइन
देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दिस। लाइन एक कार्टेशियन फॉर्म में आपको मिलती है तो भी इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा, ए वन वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। सेम सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन कुछ इस तरीके की होगी, वाई टू ओवर बी टू जेड माइनस जेड टू ओवर सी टू। देर आर टू लाइन्स एंड दीज आर परपेंडिकुलर इन केस प्रोडक्ट ऑफ दिस 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 एंड देयर सम दैट इज इक्वलेंट टू द जीरो, इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर लाइन्स। इफ देयर रेशियो दैट इज इक्वल इन केस दे आर पैरेलल। नाउ देयर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट वी विल टेक हेयर दैट गिवन। जो एग्जाम्पल क्या दिया गया देखो, वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज गिवन, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। तो अपने को लाइन के दो पेयर दिए गए हैं, वन ऑफ द पेयर दैट इज आई हैव रिटन हेयर। तो पेयर क्या दिया गया देखो, एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री लाइन वन इक्वल वाई माइनस वन ओवर फाइव इक्वल जेड प्लस थ्री ओवर फोर। लाइन टू दैट इज अनादर लाइन विच इज गिवन एक्स प्लस वन अपॉन वन वाई प्लस फोर अपॉन फोर वन एंड जेड माइनस फाइव अपॉन टू। देर आर टू लाइन्स इट इज गिवन। नाउ फर्स्ट वी विल मेक द लाइन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। वैन एवर लाइन पासिस थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड पैरेलल टू इट्स गिवन डायरेक्शन, सो फॉलो दिस। देर इज प्लस, सो लाइन वल दैट इज रिटन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दैट, ओवर थ्री वाई माइनस वन ओवर फाइव जेड माइनस माइनस थ्री ओवर फोर, राइट है। अगेन लाइन टू दैट इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वी विल राइट हेयर वन वाई माइनस माइनस फोर ओवर वन एंड जेड माइनस फाइव ओवर टू। सो देर आर द टू लाइन्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ ए वन बी वन सी वन, फ्रॉम द लाइन वन वी कैन से ए वन बी वन सी वन विच आर थ्री कॉमा फाइव कॉमा फोर, वेयर फ्रॉम लाइन टू वी आर गेटिंग ए टू बी टू सी टू सच दैट क्या है वन वन टू वन वन टू। नाउ द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन दैट इज डिस्क्राइब बाई, हमने क्या कहा, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, ये तो अपसाइड हो गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो कितना आ गया, जो आप निकालेंगे थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर विच इज इक्वलेंट टू द नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन, राइट है। और ये कितना हो गया, रूट ऑफ फिफ्टी, रूट ऑफ फिफ्टी, जिसको आप और सिंप्लीफाइड करना चाहो तो लिख सकते हो फाइव रूट टू। नेक्स्ट का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लें, बिकॉज ऑल द थिंग्स इज टू बी रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। तो नेक्स्ट का एंगल क्या आएगा, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें पहले, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो कितना आ गया फोर प्लस वन रूट सिक्स। दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू लाइन। Now, angle between these two lines that is equivalent to the, सबसे पहले आप इनका product करेंगे तो 3 plus 5 plus 8 over root 5 root 2 into root 6, result कितना आ गया 13 और 13 16 over 5 root 2 into root 6, or we can write 16 over 5 root 12, 12 को भी आप सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5, 4 रूट 3 तो 2 रूट 3, इसको 2 से कैंसिल करना चाहो तो 8 ओवर 5 रूट 3, दैट इज कॉस थीटा। नाउ थीटा दैट विल कैलकुलेट, थीटा कितना आएगा, वो आ जाएगा 8 रूट 3। अगर इसको हम रूट 3 से रेशनलाइज कर दें अपसाइड डाउन साइड तो एंगल आ जाएगा, क्योंकि रूट नंबर दैट कम्स इन द डिनोमिनेटर सो रेशनलाइज इट, 8 रूट 3 ओवर 15 विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 8 रूट 3 ओवर 15। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू
लाइन। तो स्टूडेंट्स प्रॉपरली क्वेश्चन को आप रीड आउट करें। आप फ्रॉम अप टू दिस बैक अगर हम बात करें अप टू द लास्ट ईयर, वन ऑफ द क्वेश्चन इज टू बी जनरेटेड फ्रॉम दिस कंटेंट एंगल बिटवीन टू लाइन्स। नाउ दिस ईयर दिस कंटेंट विल बी डिलीटेड इन डिलीटेड लिस्ट, सो बट इट इज द गिवन एन इंस्ट्रक्शन टू अस दैट यू शुड टेक एज ए पार्ट ऑफ स्टडी, बट वी विल नॉट कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज रिगार्डिंग द नॉलेज स्टूडेंट हैव। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, तो देखो वन ऑफ द लाइन दैट इज डिस्क्राइब बाई ए वन प्लस लेमडा ऑफ बी वन, अनादर लाइन दैट इज ये लाइन वन है और लाइन टू है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, आई हम कह सकते हैं म्यू बी टू, राइट, एंड देर आर टू लाइन्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें कि ये दोनों लाइनें, दिस लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, दिस लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। नाउ फ्रॉम दीज टू पैरेलल वेक्टर वी विल टेक इट्स परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज बी वन क्रॉस बी टू। सो नाउ दीज टू वेक्टर, और वो भी कौन से, पैरेलल वेक्टर। नाउ दीज टू पैरेलल वेक्टर्स नाउ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ दीज टू पैरेलल वेक्टर, नाउ परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम दीज टू पैरेलल वेक्टर, दीज टू पैरेलल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर का पहला पैरेलल वेक्टर क्या है, बी वन वेक्टर, और दूसरा क्या है, बी टू वेक्टर। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना आपको, ये वाला वो कैसे डिस्क्राइब होगा, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, ये हमने स्टडी की है क्रॉस प्रोडक्ट में। वैन अवर ए परपेंडिकुलर वैक्टर ऑफ ए टू वैक्टर इफ इट इज टू बी कैलकुलेट देन इट कैन कैलकुलेट बाई द क्रॉस प्रोडक्ट, सो कैलकुलेट इट, राइट। अब क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर वैक्टर और ये दोनों लाइनें इन डिफरेंट लाइनों से पास हो रही है, और ये जो दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन है वो उसी प्लेन में होगी, तो इन दोनों से पास होने वाला लाइन सेगमेंट, ए लाइन विच पास थ्रू पॉइंट ए वन पॉइंट ए एंड बी दैट इज ए टू माइनस ए वन, राइट है, पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट दैट इज ए टू माइनस ए लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, वैक्टर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, वैक्टर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन दैट इज डिफाइंड बाई पॉइंट ए एंड बी इज डिफाइंड बाई ए टू माइनस ए वन। नाउ ए टू माइनस ए वन विच इज परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, राइट है या नहीं है, राइट। तो हमें तो क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी वुड लाइक टू कैलकुलेट हेयर। तो अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो देखो बी टू, अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ए टू डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू लाइन ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, क्योंकि इसका क्या निकालेंगे भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, दैट इज बी वन क्रॉस बी टू अपॉन ये,
और वो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो उसका इसके साथ डॉट क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। कौन से केस में आपने डिस्टेंस निकाली है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इफ द लाइन वन इज गिवन लाइन टू इज गिवन, तो हम सबसे पहले क्या करें, इन दोनों लाइनों के एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि डिफाइन किया आपने दैट इज बी वन क्रॉस बी टू, और उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिया दैट इज डिफाइंड बाई बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, और कह सकते हैं साइन थीटा भी कैलकुलेट यही होता है कैलकुलेट करते हो तुम। तो परपेंडिकुलर जो दो लाइनें आपने दी उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी ध्यान रखना यहाँ पर ये दोनों लाइनें कौन सी है, हमारे पास टू टाइप्स की लाइन होगी, वन ऑफ द लाइन दैट इज टू बी नोन एज स्क्यू लाइन्स, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन में ये दोनों लाइनें भी टू टाइप्स की हो जाएगी, यहाँ पर एक स्क्यू लाइन होगी और एक होगी पैरेलल लाइन। स्क्यू लाइन्स का मीनिंग द लाइन्स विच आर नॉट पैरेलल बट नेवर इंटरसेक्ट, नॉट पैरेलल बट नेवर इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू लाइन्स। हम क्वेश्चन से आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे कि गिवन क्वेश्चन पैरेलल लाइन का है स्क्यू लाइन का है, तो स्क्यू लाइन में हमें यहाँ बी वन और बी टू दे आर डिफरेंट डिफरेंट, बी वन एंड बी टू वैक्टर आर डिफरेंट डिफरेंट। If it is in question, then the given lines are skew line. Now the distance between two skew lines, so that is the shortest distance, which is calculated by a2 minus a1 dot b1 cross b2 over b1 cross b2 ka magnitude, thereafter again magnitude. Or agar aapse pucha jata ki parallel lines hai, it means this b is same. अगर लाइन पैरेलल होगी तो केस कैसा हो जाएगा, ए वन प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर आर इक्वल ए टू प्लस म्यू ऑफ बी वेक्टर, मीनिंग दिस बी वेक्टर इज सेम इन केस द लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइन, राइट। अब पैरेलल लाइन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो आप डिस्टेंस निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या आएगी, ए टू माइनस ए वन, राइट है, और यहाँ पे बी का क्रॉस होगा तो बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये डिस्टेंस निकलेगी आपकी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे व्हेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल। तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, देन देर इज ए केस विच इज द लाइन्स आर मे बी स्क्यू मे बी पैरेलल, स्क्यू मीनिंग द लाइन विच आर नेवर पैरेलल एंड नेवर इंटरसेक्ट। इन क्वेश्चन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन लाइन्स आर स्क्यू और मे बी पैरेलल, तो हमें यहाँ देखना है लाइन में जो इक्वेशन में बी वन और बी टू है इफ दे आर डिफरेंट डिफरेंट then we will consider them as a lines are skew lines, if this b1 b2 are same which is known as b vector then the lines are parallel lines. Now the shortest distance between two skew lines that is defined by this formula and shortest distance between two parallel lines that is defined by this formula, understood this, ye dhyan rakhna dono cases alag alag hain. In 2021, your one of the question is to be arise on this content. So every student is to be keep in their mind. This is to be very clear how distance will be calculate. अब ध्यान रखना, this is the cross product. तो आप cross जैसे determinant से निकालते थे, then how by way you can calculate it. This is the magnitude of b1 cross b2. Meaning first we will calculate the vector of b1 cross b2. By which whatever it comes take its magnitude which is to becomes here a2 minus a1, that is this difference of these two points, from there we will draw the position vector of a1 a2 that is a2 minus a1,
नाउ वी विल टेक द डॉट प्रोडक्ट, क्या लोगे, डॉट दिस टू दिस, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ओवरऑल इट्स पॉजिटिव बिकॉज इट इज ए डिस्टेंस, सो दिस इज कैलकुलेशन इज टू बी टेकिंग लाइक दैट. यहाँ पर हम कह रहे हैं बी वैक्टर दैट इज लाइक दैट, और इनके डिफरेंस का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ऊपर आपको, और डाउन साइड बी का मैग्नीट्यूड लेना है और ओवरऑल मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन. सपोज वन ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, अब एक एग्जांपल लेते हैं आपको इसकी क्लियरिटी करने के लिए. दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, दोनों लाइनों की इक्वेशन आपको क्लियर रखनी है, कौन से केस में कौन सी लाइन लेंगी ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर है. दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे हुए हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. वन ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन, आर वेक्टर इक्वल आई प्लस टू जे माइनस फोर के प्लस लेमडा टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के. पहली लाइन तो ये दी हुई है, और अनादर लाइन दैट इज गिवन थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के प्लस म्यू टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के. देर आर टू लाइन्स, राइट है. तो सबसे पहले आपको देखना है वेदर द गिवन लाइन्स आर स्क्यू और पैरेलल. तो आपके पास बी वन वैक्टर इज दिस, बी टू वैक्टर इज दिस, बोथ ऑफ देम आर सेम, इट मीन दीज आर पैरेलल लाइन. और पैरेलल लाइन के लिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, राइट है. तो बी वैक्टर क्या है आपके पास, बी वैक्टर इज टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के. और ए टू माइनस ए वन क्या है, वो यहाँ से डिफरेंस ले लें, थ्री आई माइनस आई टू आई, थ्री जे माइनस टू जे, जे माइनस फाइव के प्लस फोर के, तो माइनस ऑफ के. अब हमें इन दोनों का डॉट लेना है, क्रॉस लेना है, बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन, दैट इज कैलकुलेट इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करोगे, राइट है. तो डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ लिखो आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यूज प्लेस करो, बी वेक्टर क्रॉस, तो बी के एलिमेंट्स लिखोगे पहले टू थ्री सिक्स, फिर टू वन माइनस वन, इसको ओपन कर लो, ये वाला रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, आई कैप ब्रैकेट थ्री माइनस वन माइनस थ्री वन सिक्स माइनस सिक्स, माइनस ऑफ जे कैप टू माइनस वन माइनस टू माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व, प्लस ऑफ के कैप, राइट है, टू माइनस ऑफ सिक्स. तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस ऑफ नाइन आई कैप माइनस माइनस प्लस फोर्टीन जे कैप और माइनस ऑफ फोर के कैप. दिस इज द बी वैक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन वैक्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट, राइट है. अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड आप और कैलकुलेट कर लें. तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वलेंट टू द रूट स्क्वायर ऑफ टू फोर, स्क्वायर ऑफ थ्री नाइन, स्क्वायर ऑफ सिक्स थर्टी सिक्स, राइट है. नाइन फोर कितना हो गया फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन का रूट कितना हो गया सेवन. अब हमें निकाल लिया डिस्टेंस, यहाँ फॉर्मूले पर आ जाएँ, ठीक है, फॉर्मूले पे आ जाए और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें. वैल्यूज एक ये है एक ये है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप b क्रॉस a2 टू माइनस ए वन, तो क्या आया अपने पास में, ये ऊपर लिखेंगे आप अपसाइड, तो आ जाएगा 9 माइनस ऑफ 9i आई प्लस फोर्टीन जे माइनस फोर के, ओवर मैग्नीट्यूड कितना 7. और अब इसका पूरे का मैग्नीट्यूड और लेना है आपको, तो वन अपॉन सेवन को तो आउटसाइड रख दें, ठीक है. यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे तो नाइन नाइन जा एट्टी वन, फोर्टीन फोर्टीन जा, ठीक है, यही आएगा फोर्टीन वन नाइन्टी सिक्स, फोर्टीन फोर्टीन जा
196, देखो 14 को 14 से इंटू करेंगे 196 प्लस 4 जा 16, कितना आ गया? यहाँ पर भी ऐड कर लो आप तो ये आ जाएगा दोबारा 1/7, रूट के अंदर आ गया 12 और 13, 3, 2, 11, 19, 1 और 1293 अपॉन रूट 7, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो गाइस एग्जैक्टली इज इट सेम फ्रॉम द योर आंसर गिवन इट इन द बुक, सो प्रॉपरली इन ए प्रॉपर मैनर सॉल्व इट। एक अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं जहाँ आपको पता लगे कि लाइन अभी आपने कहा ये पैरेलल है। एक एग्जांपल और दिया गया है कि यहाँ पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो आपने निकाला था कि लाइनें क्या हैं, तो देर आर टू लाइन्स, वन ऑफ द लाइन दैट इज गिवन आई प्लस जे प्लस लेमडा टू आई माइनस जे प्लस के एंड नेक्स्ट लाइन दैट इज गिवन टू आई प्लस जे माइनस के प्लस म्यू थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के। गाइज इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड वेदर द गिवन लाइन्स आर, क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो हमें इन लाइनों को आइडेंटिफाइड करना है कि लाइनें हैं कौन सी। तो कुछ स्टूडेंट ये भी प्रॉब्लम में आ रहे होंगे कि सर यहाँ के कैप नहीं है, तो आप जीरो के कैप लिख लें, नहीं होने के केस में क्या है, नथिंग दैट शुड बी डिनोटेड बाई जीरो के कैप। और लेमडा दैट इज द बी वन वैक्टर दैट इज द बी टू वैक्टर, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, सो दीज आर द स्क्यू लाइन्स। और स्क्यू लाइन्स में हमने कैसे कैलकुलेट की थी डिस्टेंस, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू नाउ टेकिंग मैग्नीट्यूड बाई विच यू कैन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दीज टू लाइन। तो स्टूडेंट्स हमने अब आपको एक ब्रीफिंग समरी के बारे में बात करें, जब आप लाइन को स्टडी कर रहे हैं तो पहली चीज लाइन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड गिवन इन इट्स डायरेक्शन, वन ऑफ द लाइन इज टू बी दैट, केस वन। सेकेंड केस हमने स्टडी किया लाइन पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट। केस नंबर थ्री हमने स्टडी की एंगल बिटवीन टू लाइन्स। केस नंबर फोर में हमने स्टडी किया कि द डिस्टेंस विच इज शॉर्टेस्ट बिटवीन टू लाइन्स, वेदर द लाइन्स आर स्क्यू और मे बी दे आर पैरेलल, राइट है। और इससे पहले हमने किया डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, दीज डिफरेंट कंटेंट्स वी हैव डिस्कस इन द लाइन। और आई थिंक द पार्ट ऑफ द लाइन इज टू बी कम्प्लीट, यू आर नाउ एबल टू सॉल्व अप टू द 11.2 एक्सरसाइज, सो सॉल्व इन योर कॉपीज प्रॉपरली। नाउ वी विल गो इन टू द प्लेन, बिफोर दिस यू रीड इट, गो थ्रू विद द टेक्स्ट बुक प्रॉपर, देर आफ्टर योर रिजल्ट विल बी अमेजिंग। अंडरस्टूड इट? नाउ थैंक यू वेरी मच।